लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है। कढ़ाही में हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे आप बटर यूज कर सकते हैं, पर देसी घी का स्वाद शाही पनीर में बहुत ही जबरदस्त आता है। तो हम यहाँ पे शाही पनीर के लिए घी यूज कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार बटर या घी, दोनों में से कोई भी चुन लीजिए। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तो आप देख सकते हैं अपनी घी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस टाइम पे हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पनीर क्यूब्स डालेंगे तो छींटे उड़ते हैं। तो स्लो फ्लेम पे हम धीरे से इसमें पनीर को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं अपनी पनीर जो है बिल्कुल उड़ नहीं रही है। अब हम फ्लेम मीडियम करके और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। पनीर को आप सब जानते हैं ज्यादा नहीं फ्राई किया जाता है, नहीं तो ये सिमर जैसा हो जाता है। तो हल्का सा हमें इसे घी में फ्राई करना है। आप देख सकते हैं घी में अपनी पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। हमको इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो हल्का सा घी में सूख जाए और ये घी में अच्छे से फ्लेवर अब्सॉर्ब कर ले। इतना ही हमें फ्राई करना है। तो हम चम्मच से चलाते हुए आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें ये दाग आया है। इसी स्टेज पे हम पनीर को अपने चम्मच से टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे। तो ऐसे हम टेढ़ा करेंगे और इसी बॉल में निकाल लेंगे। हमने सभी पनीर कढ़ाही से निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा चम्मच जीरा लिए हैं, 5-6 लौंग लिए हैं, 3 हम इलायची लिए हैं यानी कि छोटी इलायची, 20-25 हम ब्लैक पेपर लिए हैं, 1 बड़ी वाली इलायची लिए हैं। सारे फोरन को हम तेल में छोड़ देंगे और हल्का सा धीमा फ्लेम पे इसका फ्लेवर आने देंगे घी में। जब भी आप बनाइएगा शाही पनीर तो हल्का तेल में गरम मसाले का फ्लेवर आप देखिए सूंघ के। तो आप देख सकते हैं अपना मसाला हल्का सा चटकने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इसे हम घी में भून लेंगे। प्याज को हम करीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं घी में अपने प्याज का कच्चापन जा रहा है, यानी कि हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 15 से 20 काजू, 15 से 20 कली लहसुन की, 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से हम 1.5 मिनट भूनेंगे प्याज के साथ। इसे भी हमें कच्चापन दूर होने तक भूनना है। ब्राउन करना जरूरी नहीं है, सारे मसाले का कच्चापन दूर करना है हमें। आप देख सकते हैं अपने प्याज लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो चुका है। घी में भूनने के बाद अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, उसे भी डाल देंगे और इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। ये सारे प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं, ज़्यादा तेज भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है। मीडियम फ्लेम पे हम ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपने प्याज, टमाटर, लहसुन, काजू, अदरक यानी कि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें ज्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद यानी कि थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। तो मैं बाद में आपको पीसना दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमने जो प्याज टमाटर ग्रेवी के लिए पकाया था वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है, यानी कि हल्का सा गर्म है। इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज वाला जार लिया है और इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो चलिए हम ग्रेवी का पेस्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितना बढ़िया ग्रेवी का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे हमने वही कढ़ाही यूज किया है जिसमें हमने प्याज टमाटर भुना था। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो आप जो भी तेल खाते हैं वही डालिए। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ती और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। हम हल्का सा इसे चटकने देंगे, ज्यादा हमें नहीं चटकने देना है। फोरन चटकने के बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, तब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अपनी मसाला जो है ड्राई रहती है, वो फटाक से जल जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहे हैं, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो दोनों मिर्च यूज कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। मसाला को हम 1/2 मिनट तक तेल में भूनेंगे। ध्यान रहे, मसाला भूनते टाइम अपनी गैस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपनी मसाला भून चुकी है, कितना बढ़िया कलर आ चुका है। रेस्टोरेंट वाले यही तो छोटे छोटे टिप्स अपना के और बढ़िया सा शाही पनीर बनाते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर लेंगे और जो हमने प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाई थी उसे डाल देंगे। तो चम्मच से हिलाते हुए हम इसे छान लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी बचेगा फिर पानी डाल के हम पीस लेंगे। हमने सारे ग्रेवी को छान लिया है और ये थोड़ा सा बचा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर से पीस लेंगे, ग्रेवी में यूज कर लेंगे। तो हम इसे उसी मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा पानी के साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा बचा था उसे भी थोड़ा पानी के साथ पीस लिया है, उसे भी हम छान ले रहे हैं। अब हम ग्रेवी को मसाले के साथ करीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपका छींटा पड़ रहा है तो इसे कवर करके भूनिए, पर 10 से 12 मिनट तक हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। कितना सुंदर लग रहा है अपनी शाही पनीर की ग्रेवी, आप भी देख सकते हैं। हमने ग्रेवी को 12 मिनट तक चलाते हुए भून लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी ग्रेवी भून चुकी है, कढ़ाही में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बढ़िया आता है। नमक डालने के बाद हम 1.5 से 2 मिनट तक ग्रेवी को फिर से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो यहाँ पे मैं होममेड क्रीम डाल रही हूँ। इसको चम्मच से हमने फेंट लिया है और इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। इससे अपनी ग्रेवी बहुत ही रिच हो जाती है। क्रीम डालने के बाद भी हम 1 से 1.5 मिनट तक ग्रेवी को भूनेंगे। हमने क्रीम डालने के बाद भी अपना मसाला भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, जिसे कि हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आता है। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो धनिया पत्ता डाल दीजिए। कस्तूरी मेथी डाल लिया हमने। अब हम इसमें ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए दूध डालना है। तो यहाँ पे हम 1/2 ग्लास दूध डाल रहे हैं, क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं तो शाही होना भी चाहिए। आप देख सकते हैं दूध डालने के बाद अपना ग्रेवी का कलर कैसे चेंज हो गया है और इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ग्रेवी तैयार हुआ है। हमें ऐसे ही ग्रेवी चाहिए। तो 1 उबाल आने के बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर, जिसे हमने घी में फ्राई करके निकाल लिया था, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पनीर हमने ग्रेवी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक कवर करके और 1.5 से 2 मिनट पका लेंगे, जिससे अच्छे से अपने पनीर में नमक मसाला का स्वाद चला जाए। फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो चलिए हम पनीर की प्लेटिंग कर लेते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी शाही पनीर बनके तैयार हुई है। इसकी ग्रेवी देखिए, पनीर का क्यूब्स घी में जब फ्राई होता है और जब हम इसे सब्जी में बनाते हैं तो कितना बढ़िया लगता है, जब आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया शाही पनीर बनाना कितना आसान है। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ या चपाती के साथ खाइए, बहुत ही जबरदस्त लगता है।